our next threat is injuries violence and conflict so road injury is the leading cause of death for children and young people aged 5 to 29 and more than 1 billion children half of all children are exposed to violence every year road accident apni jagah hai hi lekin aadhe se zyada bache, kahin zindagi mein, वायलेंस का शिकार होते हैं ये वायलेंस पीयर्स की तरफ से भी है ये वायलेंस घर से बाहर किसी भी शख्स की तरफ से हो सकती है अफसोस की बात है ये वायलेंस पेरेंट्स की तरफ से भी है तो पेरेंट्स भी कई दफ़ा अपने बच्चों को इस तरह का नुकसान पहुंचाते हैं आई हैव लर्न अबाउट मैनी सुइसाइडल केसेस कि भाई जवान बच्चों ने सुइसाइड इसलिए कर ली कि पेरेंट्स उनको इनक्रेज नहीं कर रहे थे और उन्होंने बेजा पाबंदियाँ उनके ऊपर लगाई हुई थी तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चों को वायलेंस से बचाने के लिए की जा सकती हैं उनको उनकी हौसला अफजाई करके घरों में और इदारों में अवेयरनेस पैदा करके आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काफ़ी सालों से इसके ऊपर काम करती रही है कि इदारों के अंदर किसी 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 भी तरह की फिज़िकल या मेंटल हरासमेंट नहीं होनी चाहिए और बच्चों को पुरान और सेफ़ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए In 2018, 1 billion people had moved or were on the move either as internally displaced persons, international migrants or refugees, including many children as a result of conflict, violence or iniquity and lack of opportunities. So <laughs> जो आफात है आसमानी आफात हैं वो भी हैं बहुत से लोगों ने हिजरत की जब वो हिजरत करते हैं जैसा तस्वीर में आप देख रहे हैं तो ज़्यादातर लाइफ जो है उनको कैंप्स के अंदर पना लेनी पड़ती है अब कैंप्स में वो सारी फैसिलिटीज़ तो नहीं हो सकती जो घर के अंदर बच्चे को मिलती हैं और फिर ना उसकी तालीम का उस तरह से बंदोबस्त हो सकता है ना उनकी बाकी ज़रूरियात को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है ना उनके मतलब कि उनको जिसके अंदर उनकी बेहतरीन डेवलपमेंट होना उनको वो गज़ा या न्यूट्रिशन दी जा सकती है तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट्स पूरी दुनिया के अंदर यू एन ओ ने और बाकी इदारों ने कोशिश तो की है कि जितने भी रेफ्यूजीज हैं वहाँ उनको पूरी दुनिया इमदाद फरहम करे लेकिन हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इंटरनेशनली जो इमदाद दी जाती है बच्चों के लिए वो हमेशा उनकी ज़रूरत से कम होती है वो सफिशेंट नहीं होती तो उसमें भी कम्युनिटी के मुख्त लोगों को मिल के इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है कि ख़ास तौर पर अभी वो बच्चे जो छोटे हैं जो प्री स्कूल के हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए या तो हुकूमत ख़ुद को इंतज़ाम करे या माशरा मिल के उनके लिए कोई इंतज़ाम करे और इस तरह के बच्चे जो बेघर हैं या जो बहुत ज़्यादा गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी भलाई के लिए पब्लिक बेसिस पे ऐसे इदारे होना ज़रूरी हैं जो उनको उनकी जो हैं वो मुहैया करें देखें जिस तरह से हमने अर्ज़ किया कि कहीं भी अगर वायलेंस होगी या कोई पॉलिटिक जो है कॉन्फ्लिक्ट होगी या कोई भी इख्तलाफ होगा तो सबसे पहले छोटे बच्चे जो हैं वो उसका शिकार होंगे वजह उसकी ये है कि वो उलरेबल हैं ना वो इतना ट्रैवल कर सकते हैं ना वो बुनियादी ज़रूरियात के बगैर गुजारा कर सकते हैं तो बड़े तो फिर भी एडजस्ट करते हैं वो तो अपने माहौल में भी नए सिरे से एडजस्ट करना मुश्किल समझते हैं तो ऐसी सूरत में जो प्री स्कूलर या छोटे जिनको हम कहते हैं सिफ़र से आठ साल के जो हमारे बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है क्योंकि उनको तो एक मुकम्मल सेफ एनवायरनमेंट चाहिए उनको एक अच्छी बेहतरीन गजा चाहिए और उनको अपने साथियों की अपने पेरेंट्स की अपने पीयर्स की बिलोंगिंगनेस चाहिए जिस जिनके साथ वो अपने आप को महसूस कर सकें तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी ख़ास तौर पे हमारे बच्चों को आजकल एक बड़े थ्रेट्स हैं जिनसे गवर्नमेंट्स को अपने लेवल पे कम्युनिटीज़ को अपने लेवल पे और इदारों को अपने लेवल पे कोशिश करना चाहिए